सबको गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक गुड हो? मॉर्निंग सर। ठीक है सर, जी आप आप ठीक है ना आपकी सर? आवाज अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग एनर्जी को बढ़ाए रखो, आप लोग से ही तो एनर्जी आती है। नहीं सर, वैक्सीन लगवा लिए, खुद आप लोहा हो गए। अरे वैक्सीन से कुछ नहीं होगा भाई, अभी तो एक डोज लगाया है, दूसरी डोज भी तो बाकी है। वो भी चलो लग जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लग जाएगा आफ्टर 84 days, 84 दिन बाद लगेगा। क्लास मेरा की तो आ शुरुआत गया करें सर। या कुछ बातें करनी है आपको? नहीं सर, कोई स्टार्ट करिए कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्टार्ट क्लास की कीजिए शुरुआत सर। किया नहीं जाए। सर चलो ठीक है, जी तो हम सर, लोग पे थे टाइप 3, और टाइप 3 का एक प्रॉब्लम कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बस बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है? और ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है। जो टाइप आप पढ़ रहे थे, ठीक है, जो आप टाइप पढ़ रहे थे उसमें जो आपने क्वेश्चन मेरे को कल दिया था, आपको याद होगा कि वो ऐसे था 999। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, फिर 2 नंबर बताता हूँ। 999 सही 1/7 क्या था? 7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस, आप लोग बोलो, क्वेश्चन यही था? 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये आपका प्रॉब्लम था जो आपने कल मुझसे डाउट पूछा था। बोलो, जो बातें मैं यहां लिख रहा हूं यही था ना क्वेश्चन, कि कोई और था? जी यही था। अब देखो कि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बनाएगा वो कैसे बना सकता है। यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? वो मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया कि 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 और प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 और प्लस 99 सही 6/7। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जरा कंपेयर करो और मुझे बताओ कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है नंबर बताओ? 99 वहां पर हाँ, 999 सिर्फ पे इस 99 है नंबर का सर। डिफरेंस है कि यहाँ पे 999 है और यहाँ पे क्या है, 99 है। तो कल आपको याद होगा कि मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाया था, और आपको याद होगा कि इसका जो आंसर आया था मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा 1000 आप मान लो, ये 999 दशमलव कुछ है तो इसको पूरा 1000 मान लो। तो ऐसे अगर 1000 मानकर अगर सबको प्लस करोगे तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 6000। देखो मैं आंसर का डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं कि अगर 1000 हम लेट कर ले और उसके बाद उसको अगर हम सॉल्व करें तो टोटल 6000 होगा। और आपको मैंने बताया था कि 1/7 2/7 ये टोटल मिलकर कितना बनता है, 3 बनता है। तो मैंने कहा था कि इसमें से 3 माइनस कर दो तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, 5997। याद आ रहा है कुछ? बोलो, यही आपका आंसर था, 5997। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। चलो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी पे है, इसको आप कैसे सोचोगे। तो आप मुझे बताओ कि इसको अप्रोक्सीमेट कितना लेट करोगे, 99 हंड्रेड सही 1/7 को 100 मानोगे, ठीक है? तो अगर इसको आप 100 मानोगे तो ओवरऑल ये टोटल कितना हो जाएगा सिक्स है बताओ, सर। 600। तो इसमें से भी कितना माइनस होगा, तो देखो सेम थ्री टर्म है, एक थ्री बटा सात 2/7, तो इसका जो सम आएगा वो 3 आएगा, तो ओवरऑल आपका 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आप बोलो इसका आंसर जो होगा 597। तो क्या आप डायरेक्ट आंसर लिखना सीख पा रहे हो? क्या एग्जाम में सर। आप ऐसे डायरेक्ट कर लोगे? और मुझे एक बात बताओ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और अगर आप डायरेक्ट इतने प्रोसेस करके करोगे तो आपका टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड? एक आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप मन में ही कर सकते हो, 600 - 3 597, ठीक है? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप जरूर कर लेना। तो इस पे अब तक मैं आपको बता दूं कि इस टाइप पे अब तक ये और ये दो ही क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में इस टाइप से, वो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो फिक्स है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाएगा तो सेम क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा। बातें आपको समझ आ गई है मेरी? आगे बढ़ो इस पे, मैं जी रिस्पॉन्स सर। करो आप लोग, ठीक है? यस सर, आगे बात बढ़िए। करते हैं इस पे और आगे की क्वेश्चंस को, ठीक है?
तो एक तो क्वेश्चन आपने ये कर लिया। अब देखो कि ये तो एक फिक्स फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन फिक्स फॉर्मेट पे नहीं होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं, उसको जरा ध्यान से समझना और करना है ना। एक आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स में एक ट्रिक सिखाया था, नंबर्स को जोड़ने का ट्रिक सिखाया था, शायद आपको याद होगा। मैं एक बार उसको डिस्कस कर लेता हूं। मैंने ऐसे कहा था कि अगर मान लो कि एक 3 है प्लस डबल 3 है प्लस ट्रिपल 3 है, ऐसे करके नंबर चल रहा है, ठीक है। फिर 4 बार 3 है, फिर आपका 3 कितने बार है, 5 बार है। तो इसको प्लस करने का मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाया था, शुरुआत की क्लास में जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे ही आपको मैंने इस तरह के नंबर को प्लस करना सिखाया था, याद आ रहा आपको? आप सबको याद है इस तरह के नंबर को प्लस कैसे करेंगे? जी सर। यस सर। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? 3 हाँ, मतलब क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 बार अगर है, आप 1 2 3 4 5 लिखकर और उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो 1 2 3 4 5 लिखना है और इंटू 3, 5 तक ही क्यों लिखना है? तो देखो 1 से स्टार्ट है और खत्म किस पे हो रहा है, तो लास्ट वाले नंबर में 3 5 बार है। अगर मान लो कि इसमें एक टर्म और होता और उसमें 6 बार 3 होता तो आप इस गिनती को 6 तक लिखकर और फिर 3 से गुणा करते। अगर ये टर्म नहीं होता तो 1 2 3 4 लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते। तो इस ट्रिक का यूज कहां पे है उसको आज हम लोग देखते हैं। ये तो ट्रिक आपने सीख ही लिया था, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्मेट पे सिंप्लीफिकेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में अब तक पूछा जा चुका है। मैं बता देता हूं आपको, इस टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये दिया है कि 3 होल 1/3 प्लस 33 होल 1/3 प्लस डैश 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 प्लस कितनी बार 3 है, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 होल 1/3। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको देखो कि इस तरह का एक सीरीज दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका सम यानी कि इसका योगफल कितना आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोसेस बता दो, आंसर नहीं बताना, आंसर अगर आपका आ जाता है तो बताओ, नहीं तो फास्ट हम लोग सीखते हैं। आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सर बेसिक से पहले 1 2 3 4 5 6 क्या है मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे आप प्लस लेट करोगे हर जगह। यस सर कल बताया था कि सही का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, प्लस लिख दो। अब तुम देखो कि इसमें दो दो टर्म है, इसमें जैसे एक टर्म है 3 और दूसरा टर्म है 1/3, तो आप क्या करोगे कि 1/3 वाले टर्म को अलग कर लोगे और ये वाला जो टर्म है 3 33 इस वाले टर्म को आप अलग कर लोगे। तो आप देखो कि यहां पे आपका दो टर्म कंप्लीटली बनकर आएगा, एक आएगा 3 + 33 प्लस अगला टर्म क्या देगा 333 और प्लस 10 10 लास्ट टर्म क्या देगा, तो इसमें 6 बार 3 देगा, 6 बार 3, ठीक है। और प्लस में फिर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे कि सर 1/3 प्लस में आएगा लेकिन कितनी बार आएगा, 6 बार। तो आप बताओ कि अगर 1/3 6 बार आ रहा है तो मैं उसको 1/3 × 6 लिख सकता हूँ। यस सर। 1/3 को अगर आप 6 बार लिखकर प्लस करोगे तो वो प्लस कितना बनेगा, 1/3 × 6, तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये कितना बन रहा है, 3 2 बनेगा, 3 2 6 होता है, तो 1/3 1/3 ये टोटल मिलकर 2 बनेगा। और उसके बाद जो ये नंबर है आपको इसको प्लस कैसे करना है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और देन मल्टीप्लाई बाई 3। बोलो, तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसका पहले सम फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना आएगा, 370 368, हाँ 370 368 आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और प्लस में हमें 2 करना पड़ेगा और हमारा जो ये वाला सम है वो तो सिर्फ इतने का है, तो प्लस 2 और करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 370 370। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो यही है,
370 370। कितने स्टूडेंट्स इस सवाल को समझ पाए हैं, हाँ या ना में आंसर करें। नहीं समझ पाए हो तो भी बताओ, और अगर समझ गए हो तो भी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए सर। आसान था ना? तो आपने देखो कि जो मैंने बेसिक में आपको एडिशन में सिखाया था उसका यूज आया ना, तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये सारी चीजें सिखा चुका हूं मैं, क्योंकि मुझे फिर आगे जाकर बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। और शायद आपको भी इस बात का फील हो रहा होगा कि हाँ, मुझे आधी चीजें तो आपने पहले ही सीख लिया था और अब आधी चीजें सीखकर इसको आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन इतना आसान भी नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जिसमें आप बच्चों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपका माइंड वर्क ही नहीं करता कि करे क्या। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप थ्री है ना? टाइप थ्री चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगला टाइप, यानी टाइप फोर की बात करते हैं। टाइप थ्री में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसको बताकर और देन टाइप फोर पढ़ा दूंगा। जल्दी बोलो, आप लोगों के पास अगर कोई भी डाउट है तो। टाइप थ्री का जो मैं फॉर्मेट आपको सिखाया उससे रिलेटेड किसी भी बच्चे के पास कोई डाउट है, या फिर टाइप टू जो मैं पढ़ा चुका हूं उससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, और अगर डाउट नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, इसको टाइप के अंदर में मत रखना। ये मान लो कि एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, मैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखूंगा और आप सब में से मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। देखते हैं कि किसके पास कितना माइंड है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा टाइप फोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से आप इसको लिख लो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3 और डैश 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 100 माइनस 200। ऊपर का टर्म है ये 100 माइनस 1 100 माइनस 2 100 माइनस 3 डैश डैश 100 माइनस 200, और डिवाइडेड बाय आपका इसमें दिया हुआ है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू डैश डैश डैश, आपका दिया हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, और आप लोग कैलकुलेट करके रख लो और मैं जिस बच्चे से आंसर पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, इस क्लास में कौन कौन बच्चा है कौन कौन नहीं है मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, मेरे को तो पता भी नहीं है। ठीक है, वैसे मैं पूछता हूँ, करण यादव क्लास में हो? करण जी सर। हाँ बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप अपने हिसाब से अपना अनुमान लगाओ या सॉल्व करो, जो भी करो, आपके पास जितना भी दिमाग है उसका यूज करके, और आप अपना आंसर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट नहीं बताओगे? मनीष है क्लास में? मनीष क्लास में हो आप? नहीं है। रत्नेश? हाँ सर, आप क्लास में हो? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं आ रहा है। कितना आएगा? नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अच्छा कितने बच्चों का आंसर इसका आ चुका है? सर, कितने ऐसे बच्चे हैं कि वो बता सकता है? अपना नेम बताओ, आंसर मत बताना, नेम बताओ। हिमांशु। हिमांशु कुमार का आंसर आ गया। और आदर्श? हिमांशु तिवारी सर। पंकज? ठीक है, हिमांशु तिवारी कोई सुने। ठीक है, और कोई बच्चा? पंकज। ठीक है, पंकज का आ गया। और ठीक है, पंकज ने आंसर दिया माइनस वक्त एक। हिमांशु तुम बताओ क्या तुम्हारा आंसर है? मेरा सर शून्य है। शून्य है, मतलब तुम बिल्कुल शून्य हो, जीरो हो सर। एक आएगा। आप अपना नेम बताओ, वन कौन बोल रहा? कुंदन मोरे। ठीक है, और कोई बच्चा? सब लोग अपना अपना आंसर दो। जीरो कौन? नेम बताओ। काजल जीरो। ठीक है, और हिमांशु जीरो, और वन कौन बोला था? कुंदन मौर्य। और माइनस वन कौन बोला था सर? पंकज भारती। पंकज भारती,
और कोई बच्चा आंसर देना चाहे तो दे सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप फोर की बात करेंगे। थोड़ा सा एक मजेदार सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है बीच में, और टाइप थ्री तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, टाइप फोर इसके बाद डिस्कस करने वाले। तीन टाइप का आंसर आया है, माइनस वन, जीरो एंड वन। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा तो दो, फटाफट देर ना करो। दो भाई, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, है? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर दे दिए तो आपका आंसर बोलो तो सही, गलत हो या सही है बोलना तो सीखो, कुछ तो किए होगे ना, कि बैठ कैसे देख रहे हो कि सर जी बताएंगे तो बस हम देख लेंगे। सोनी इस क्लास में हो तुम, सोनी कुमारी? नहीं बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे ही नहीं क्लास में, रहेंगे तब भी नहीं बोलो। फिर बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अच्छा आंसर क्या आ रहा है इसका बताओ। अच्छा ठीक है, और क्लास में कौन बच्चा है, मतलब और कोई बच्चा नहीं बताएगा? चलो ठीक है, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है वो माइनस वन गलत है, ठीक है, माइनस वन इसका आंसर नहीं होगा। पंकज तुम्हारा आंसर 100% रॉन्ग है, कुंदन मौर्य आपका आंसर 100% रॉन्ग है, वन भी नहीं आएगा। तो आंसर इसका कौन सा राइट है? जीरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीरो होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा काजल से कि आंसर जीरो कैसे आएगा, समझाओ मुझे। तो मैं समझाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो समझाए। काजल अब तुम बोलो कि इसका आंसर जीरो आया तो कैसे आया? सर ऐसे समझा नहीं पाएंगे हम। तो अरे इसमें है ही क्या, इसमें समझाना क्या है, सिंपल अभी हिमांशु बोल रहा है कि सर मैं बताऊं कैसे आ जाएगा। सर मैंने ऐसे किया था, नहीं हाँ, सर मैंने ऐसे किया था, मतलब ऊपर माइनस करके और नीचे वाले से और ऊपर को डिवाइड कर आंसर मैंने लाई थी। अच्छा मतलब कि एक चीज तुम्हारा मतलब है कि अगर ऊपर मान लो कि जितने नंबर है और नीचे भी वही सेम नंबर है, अगर पूरा कट जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। यस सर। अच्छा जैसे कि अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा? नो सर, एक आएगा। तो फिर तुम तो यही कहना चाह रही हो ना कि सर मैंने ऊपर पूरा सॉल्व किया नीचे पूरा सॉल्व किया, दोनों ऊपर नीचे कट गया और इस वजह से आंसर जीरो हो गया। तो देखो आंसर आ जाने से मतलब ये चीजें नहीं क्लियर होता है कि आपने तरीका सही अप्लाई किया है कि नहीं। आंसर तो जीरो ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुमने क्या सोचा, तुमने ये सोचा कि ऊपर भी वही सारे नंबर आएंगे नीचे भी सारे वही नंबर आएंगे और वो पूरे कट जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए था? One. क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम नंबर होता है और पूरा नंबर कट जाता है तो वन देता है, नॉट जीरो। अब बचा एक बच्चा हिमांशु। चलो ठीक है, काजल ने आंसर जीरो दिया लेकिन लॉजिक गलत है। हिमांशु अब तुम एक्सप्लेन करो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे 100-1, 100-2 चल रहा है सर, तो एक दफा ऐसा सीरीज आएगा ना कि लास्ट में 100-100 भी होगा। देखो इस क्वेश्चन का मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन था कि इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर हिमांशु जैसे सोचा वैसे अगर हर बच्चा सोचे 100-1, 100-2, 100-3 और ये सीरीज कहां तक जा रहा है? 100-200। अगर मैं पूछूं ये कि इस सीरीज के बीच में कहीं तो एक ऐसा टर्म आएगा जो 100-100 होगा, ये सुनो में आंसर करना बस। यस आएगा। अगर आप इस सीरीज को आगे बढ़ाओगे, 1 से माइनस कर रहे हो, 200 तक ले जा रहे हो, तो बीच में कहीं एक ऐसा जरूर टर्म आएगा जो आपको 100-100 देगा। और 100-100 टर्म क्या होता है? जीरो। और अगर ऊपर एक टर्म जीरो हो जाए तो आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो टोटल जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन कोई भी एक नंबर होगा तो फाइनली उसका आंसर क्या बनेगा? जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो लॉजिक इसका यही था कि सर इसमें 100-100 का एक बीच में टर्म आएगा जो कि जीरो होगा और वो पूरे सीरीज को जीरो कर देगा और इस तरह से उसका आंसर जो बनेगा वो जीरो बनेगा। तो इतना अच्छा क्वेश्चन ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को गलत करके आए हैं, इसका मैक्सिमम बच्चे आंसर वन टिक करके आए हैं। उनका लॉजिक यही था कि सर ये 99 देगा, ये 98 देगा और ये कटता जाएगा और फाइनली सारा कट कर क्या बन जाएगा? वन। लेकिन सही लॉजिक इसका यही था कि वो क्या देगा? जीरो। क्यों जीरो देगा? क्योंकि ऊपर एक टर्म दे रहा है 100-100 जो कि आपका हो जाता है जीरो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का टाइप समझ आया होगा और इससे आपका थोड़ा सा दिमाग भी डेवलप हुआ होगा कि क्वेश्चन को सोचना कैसे चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते हैं, है ना? आगे बढ़ो ना। यस सर, आप लोग कुछ बोलोगे? हाँ सर आगे बढ़िए। ठीक है शिवम सर, एक बात बताइए,
जो आपके ये माइक में आपने लगाया हुआ है, जो बच्चों की आवाज आ रही है, तो क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं आएगा? बच्चों की आवाज आएगी रिकॉर्डेड वीडियो में? मतलब दोनों चीजें आएंगी, हमारी भी आवाज आएगी जैसे पहले की तरह ही सब कुछ होगा, बस अभी जो मुझे मेरी खुद की आवाज जो सुनाई देती थी वो सुनाई नहीं देगी। अच्छा ठीक, तो हमें लगा कि बच्चों की आवाज रिकॉर्डेड में ना, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ले आई है कि जो बच्चों की आवाज है लाइव क्लास की वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो में ना है, है? तो ये फर्स्ट ट्रायल है ना। हाँ आने तो चाहिए, अगर ना है तो और वीडियो अच्छा बन जाएगा, लेकिन फिर बातें अधूरी रह जाएंगी ना। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, वहां पे बच्चों की आवाज भी आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, आना चाहिए, आएगा तभी सही होगा। चलो देखो आप लोग टाइप फोर की बात करते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं पहले आप लोग ये बताओ। आ रहा है सर, सबको समझ आ रहा है? गेन कर पा रहे हो कि नहीं, क्लास में कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं आप? तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि आप सब सीख पा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप लोग आंसर क्यों नहीं देते हो, रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, बताओ? कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एटलीस्ट उसका आंसर दोगे ना, गलत या सही? वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो गलत या सही आंसर तो करते हैं एटलीस्ट, है ना? आंसर देना सीखो आप। किसकी आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है? मारपीट कर रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, आप कल समझा दिए, सब समझदार हो गए हैं। हमारे समझाने का असर अगर पड़ता बच्चों पे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो देखो एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसा कि आपने अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसको बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें जो क्वेश्चन है वो दिया है अंडर रूट 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को आता हो तो वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिया है 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर, और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखते हैं कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल कर मुझे दिखाता है। टाइप फोर को मिटा दो, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 कराया इससे पहले, और ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग टाइप फोर का डिस्कशन करेंगे। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ाएंगे, और एक एक करके क्वेश्चन आप देखते जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन कभी देखा है पेपर में, प्रैक्टिस सेट वगैरह में कहीं देखा है? हाँ सर। हाँ, तो जो बच्चा पढ़ाई करता होगा वो जरूर देखा होगा, जो नहीं पढ़ता होगा कहाँ से देखेगा, उसको कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं है सर, मैंने ये आपको पर्टिकुलर थोड़ी ना बोला, जो बच्चा पढ़ता होगा वही तो देखेगा, जो बच्चा बुक नहीं खोलेगा उसको कहाँ से दिख जाएगा? सपने में आता है क्या क्वेश्चन? रात को सोने के बाद सपने में तुम लोग के सब क्वेश्चन आते हैं? नहीं सर। नहीं, आने चाहिए ना। रात को सपने में सोने के बाद अगर क्वेश्चंस आने लगे तो पता है सपने में बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, और सुबह उठो फिर वो भूल भी जाता है इंसान, ऐसा ही होता है ना। रात को जो भी बड़े बड़े चीजें देख लेता है, सोच लेता है, और उसको सब कुछ समझ आ जाता है, और सुबह जब उठता है तो कुछ कुछ से नहीं होता ना। वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, डेंजरस। तो बस वही बात है कि नॉलेज हो तो पूरी हो, नहीं तो आधी अधूरी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए और खतरनाक हो जाएगा। चलो कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो फास्ट आंसर करो, आप अपना नेम के साथ अपना आंसर बताओ, अदरवाइज ये कहो कि सर बताइए हमसे नहीं हो रहा है। फास्ट फ्रैंकली बोलना सीखो, आता है तो यस सर आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो, सर आता है तो आता है, इसका आंसर ये होगा। क्या होगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा, नहीं आता है तो बोलो सर नहीं आता है, सिखाइए, बात खत्म। तो क्या चाहते हो आप लोग, आंसर बताओगे आप लोग में से कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा या फिर मैं समझाऊं? सर अभी लगा रहे हैं, समझाना तो मुझे पड़ेगा ही, देखो
चलो टाइम किल नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड पहले सीखते हैं। एक आपको बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं और आफ्टर डेट आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को लगाने का, जो आप बहुत फास्ट निकाल लोगे। देखो एक चीज यहां पे समझना कि अगर मैं ऊपर वाला जो नंबर है 0.03 को अगर मैं लेट कर लूं ए, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? इस वाले नंबर को मैंने लेट किया ए, ठीक है, और उसके बाद 0.21 को मैंने लेट कर लिया बी। 0.21 को क्या लेट किया बोलो? बी। और अगला जो नंबर है हमारा 0.065, इसको क्या लेट कर लेंगे? सी। तो तीन नंबर ऊपर आ रहा है पॉइंट में, एक ये है, एक ये है और तीसरा ये है, आप उसको लेट कर लो ए बी एंड सी। किसी बच्चे को कोई डाउट ए बी सी लेट करने में? लेट तो कर सकते हैं ना, मान तो सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद तुम देखो कि अगर मैं इसको जो लेट किया हूं 0.03, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड 10 से डिवाइड करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप बताओ कि 0.03 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.003 हो जाएगा, बोलो। और ये किसके इक्वल आएगा? तो ए अपॉन 10। बातें मेरी समझ आ रही है सबको? अब मैं इसको बता दिया आपको कि 0.03 को ए लेट करो और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, फिर देन ए अपॉन 10 इधर आ जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी 10 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो आपको मिलेगा 0.021 इक्वल्स टू बी अपॉन 10, ठीक है। और उसी तरीके से आप इसको भी 10 से डिवाइड करो बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा? 0.0065 इक्वल्स टू सी अपॉन 10। ये जो मैंने लेट करने का प्रोसेस अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने 10 से डिवाइड किया है, इसमें किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो बोल सकता है, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूं इस सवाल को। जल्दी बोलो, फास्ट है डाउट? बातें आई समझ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, 10। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए था कि सर आपने 10 से डिवाइड क्यों किया? आपने से किसी ने नहीं पूछा। देखो क्यों किया, 0.03 है ऊपर और नीचे वाला जो देखो नंबर है 0.003, ये कब आ रहा है? 10 से डिवाइड करने पे आ रहा है। तो मैंने यही देखा कि दशमलव के बाद इसमें दो अंक है और इसमें दशमलव के बाद तीन अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक बढ़ रहा है, तो एक अंक तभी बढ़ेगा जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे दो अंक बढ़ जाता, इस बात का मतलब ये होता है कि हमें उसके से डिवाइड करना है 100 से। बातें आ रही है समझ? ठीक है। तो जब 0.03 को मैंने ए लेट किया तो इसको एक के टर्म में लिखने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन है अब वो सिंपली इस तरह से बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिखोगे? ए अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस बी अपॉन 10 का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन 10 का स्क्वायर, हाँ या ना? और ये किस में होगा? अंडर रूट में। बोलो बातें आप समझ पाए? जब मैंने लेट किया, लेट करने के बाद एबीसी यहाँ पुट कर दिया, क्वेश्चन ये बन गया। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है। आप एक चीज मुझे बताना कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 तो सब में आ रहा है और उसके बाद सब पे स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा? यस सर। तो 1/10 का स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आप मेरा अगला स्टेप को समझना कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सुनो, आप देखो कि इस टर्म से जो मैंने ये टर्म लिखा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? 1/100 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, फिर 100 का स्क्वायर को ऊपर भेज दोगे तो वो 100 चला जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो इस टर्म से इस टर्म पे अगर मैं जाता हूं तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है ना? नो सर। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि ये कैंसिल हो जाएगा? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रूट में कितना बचेगा? 100। और रूट 100 की वैल्यू कितना होता है? 10। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 आएगा। यस सर।
तो इस तरीके से आपको इस तरह के सवालों को लगाना होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड की बात करते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड इस तरह के सवालों को लगाने का यही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा तो ना आप लेट करोगे और ना ही आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं, तो मैं इसको रफ कर दूं। यस सर। ठीक है, मैं रफ करता हूं और आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप क्या करोगे, देखो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग के बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है, है ना, आवाज ही नहीं निकल रही है किसी बच्चे की, जबकि बोलना चाहिए। क्या बात है, डिप्रेशन में हो तुम लोग? हैं? नहीं सर, डिप्रेशन अब सब बोलना स्टार्ट किए हैं सब है? तो मतलब एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का मतलब होता है कि बोलने वाला बच्चा। आप देखे हो कि एक छोटा जो बच्चा होता है वो कितने तरीके के क्वेश्चंस अपने मन से क्रिएट करता है, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर सामने वाले को परेशान करते हैं, ये बोलते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ये क्यों, अगर फैन चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्यों घूम रहा है, है ना। तो वो इतने क्रिएटिव होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और तुम लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है कि कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ आई, तो तुम लोग की आवाज ही नहीं निकलती। ऐसे लगता है कि कोई या तो मार और के बैठा दिया है, या तो डिप्रेशन में चले गए हो, या तो लाइफ में बहुत ज्यादा तुम्हारे गम उम है, मतलब तुम ऐसे नहीं सर, ध्यान से समझ रहे थे। नहीं सर, बात ये हो जाता है कि नया तरीका मिलता है ना सीखने को, तो मन लगता है सीखने में ना, इसलिए बोलते नहीं हम लोग। सर अगर ऐसे बच्चे घर में होते तो सर शैतान भी बोलते हैं। शैतान तुम्हारी नजर में होते हैं ना, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर कुछ क्रिएटिव हाँ, कुछ नया करते हैं। वही बच्चे सर न्यूटन और आर्किमिडीज बनते हैं। हाँ, तुम बचपन में सब किए थे कि नहीं, अपनी बात करो। शायद सर अपने सवाल के, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो क्या करना है कि क्वेश्चन को ही मिटा देना, ये पूरा मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में जितने भी टर्म आएगा उन सब को मिटा देना, अगर चार टर्म रहे चाहे पांच टर्म रहे क्वेश्चन में, सब मिटा देना, सिर्फ एक टर्म को छोड़ देना। कितने टर्म को छोड़ दोगे? एक टर्म को। अब तुम मुझे बताओ कि ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो ये रूट हट जाएगा। यस सर। ये तो पढ़े हो ना कि अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू एक्स होगा। यस यस सर। तो अगर दोनों नंबर के ऊपर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तुम बताओ कि इतने को सॉल्व कर सकते हो? यस सर। तो सॉल्व करोगे कैसे, देख लो, इसको सॉल्व कैसे करोगे। ऊपर वाले नंबर को लिखोगे 3/100 और नीचे वाले नंबर को लिखोगे 3/ में कितना आएगा 1000, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बचे? 10। तो अगर आप ये लॉजिक अप्लाई करोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप अपने पेपर में आएगा फास्ट कर लोगे। अब बताओ कि इससे फास्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, हम लोगों का क्वेश्चन आया डायरेक्ट सॉल्व करने शुरू कर दिया, आंसर तो है बट बहुत लंबा गया। अब बातें आई समझ की, अगर आप ये लॉजिक अप्लाई करोगे जो मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर उसमें पांच टर्म भी दे देना तो आप चार टर्म को मिटा देना, सिर्फ कोई भी एक टर्म छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म, आप चाहते तो फर्स्ट टर्म को मिटा दो, लास्ट टर्म को मिटा दो और बीच वाला टर्म ले लो, और उसके बाद सॉल्व करके देखो, तब भी आपका आंसर वही आएगा, 10 आएगा। आप चाहे तो स्टार्टिंग के दो टर्म मिटा दो, केवल लास्ट का टर्म ले लो और उसके बाद भी रूट हटाकर सॉल्व करो, तब भी आपका आंसर वही आएगा, 10 आएगा। बोलो, बातें क्लियर है? अब एक चीज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर यही सवाल आपके पेपर में पूछता और उस पे अंडर रूट नहीं लगाता तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? सर सारे को मिटा क्यों दिए? सर फिर 100 होता? फिर 100 होता, देख, ठीक है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन के ऊपर अंडर रूट नहीं होता तब तो आंसर 100 आता, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के ऊपर अंडर रूट लगा देगा तो 100 का अंडर रूट 10 बन जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि अंडर रूट लगाता ही नहीं, है ना, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि यहां पे लिख देगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, बात को समझना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लिखकर डैश लगा देगा और जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपली लिख देगा, उस पर रूट नहीं लगाएगा।
तो क्यों नहीं रूट लगाएगा, क्योंकि उसने क्या लिख दिया, फाइंड दी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल। यस सर, उसका वर्गमूल, तो वर्गमूल तो लिख दिया है ऊपर। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन में अंडर रूट लगा कर नहीं दिखाएगा, तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में अंडर रूट तो नहीं लगाया, लेकिन उसने ये लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो आपको उसको सॉल्व करके देन फाइनली उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, तो और उसके बाद अगर रूट नहीं लगाता है तब आपका आंसर जो होगा 100 होगा, लेकिन अगर लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ रूट लगा देता है तब आंसर कितना होगा, 10 होगा। 10. तो चीजें पढ़कर समझना होता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़कर आंसर निकाल देना, यहाँ पे क्या लिखा है इस बात को भी पढ़ना है कि कहीं स्क्वायर रूट ना लगाकर और ये लिख दिया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो समझना पड़ेगा। हाँ, अब जिस बच्चे के मन में अगर कोई भी सवाल है तो पूछे मुझसे। सर पूरा मिटा क्यों दिया, मतलब नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, पूरा मैंने इसलिए मिटा दिया कि आप देखो कि जो आपका क्वेश्चन था, एक बार आप क्वेश्चन मुझे बताओ, है ना, 0. क्या था, 0.03 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या था, 0.21, यस सर, यस सर, 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, नहीं सर ओनली 65 था, नहीं सर, नहीं आप चेक कर लो, नहीं 0 था, 065 था, 065 तुम ध्यान क्वेश्चन करो, चेक करो क्वेश्चन में क्या था, जो मैंने लिखा वही था, सही है सर, हां सर, देखो तुमसे दिमाग तेज मेरा है ना, और अगर अगर मैंने यहाँ पे 0.065 लिखकर और ये लिख दिया तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अगर कहो तो मैं यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देता हूँ, है ना, और यहाँ भी एक और जीरो बढ़ा देता हूँ, फिर भी आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लेना, ये सवाल ही ऐसा है कि इसको कैसे भी घुमा दो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो मैं आपको ये समझा दूं कि मैंने ये दो टर्म मिटाया क्यों, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो ऊपर ए स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर अपॉन 100 बन रहा था, बोलो, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस सी स्क्वायर अपॉन 100 और नीचे क्या आ रहा था, सी स्क्वायर ऊपर आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा था ना, मैं कह रहा हूं कि मान लो कि इसमें एक और टर्म होता डी स्क्वायर और नीचे आता डी स्क्वायर अपॉन 100, चार टर्म होता, मान लो कि एक टर्म और प्लस कर देता, तो आप मुझे बताओ कि आपका आंसर किससे बन रहा है, जो इसमें से कॉमन निकल रहा है, यानी कि आप कहोगे कि सर इसमें 100 ऊपर जा रहा है कॉमन होकर, बाकी सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो आप मुझे बताओ कि आपको आंसर में किससे मतलब है, सिर्फ 100 से मतलब है ना, कि जो 100 नीचे आ रहा है वो ऊपर जाकर उसका स्क्वायर रूट से आंसर बन जाएगा, बाकी ए बी सी डी आ रहा है या ए बी सी आ रहा है या आगे एक और टर्म ई तक आ रहा है वो तो सब कट जा रहा है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से ये सब मिटा दूं तो फिर भी तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपको बेसिकली मतलब किससे है, यहां पे नंबर कौन सा आएगा, और वो नंबर चार टर्म लेने के बाद भी वही आ रहा है, पांच टर्म लेने के बाद भी वही आ रहा है, तीन टर्म पे भी वही आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एक टर्म पे भी वही आ रहा है, बातें मेरी समझ आ रही है, तो अगर सवाल में मान लो 10 टर्म पे बनाया तो आपको ये सोचना है कि 10 टर्म पे भी वैल्यू वही आएगा जो 10 में से कॉमन निकलेगा बाहर और बाकी सब कट जाएगा, तो क्यों ना हम सिर्फ एक ही टर्म को सॉल्व करके उसका आंसर बना लें, क्योंकि एक टर्म पे भी वही आंसर आ रहा है, दो टर्म पे भी वही आ रहा है और 10 टर्म पे भी वही आ रहा है, तो हम सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करके आंसर बनाएंगे तो यही तो सबसे बड़ा हमारा, वो कहेंगे ना कि कम समय में क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो यही टेक्निक है ना इस क्वेश्चन को लगाने का, जिससे कि हम अपना टाइम बचा सके। बाकी मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बताया है ना कि ए बी सी लेट करके कर लो, लेकिन हाँ चाहे इसमें 8 टर्म पे भी सवाल हो तब भी आपका आंसर 10 ही बनेगा, तो जब हर टर्म पे नंबर सेम आ रहा है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम 3 टर्म का प्रॉब्लम या 10 टर्म का प्रॉब्लम सॉल्व करें या फिर 1 टर्म का प्रॉब्लम सॉल्व करें जब आंसर सेम आने वाला है, तो बेस्ट क्या होगा आप खुद डिसाइड कर लो कि 1 टर्म सॉल्व करना बेस्ट होगा या 10, डिसाइड करो सर, चाहे जो टर्म, चाहे जो टर्म यूज करे सर ना, हाँ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने भी रहे, 4 रहे 5 रहे, आंसर एक ही टर्म से बन जाएगा।
तो यही सब सोचने का तो आप लोग से पैसा लिया जाता है ना नहीं तो बाकी चीजें तो आपको भी आता होगा, सही बात बोल रहा हूँ? नहीं सर, अभी छोटे बच्चे, गलत बात है, सही है। चलो अब मैं बातें करता हूँ टाइप फोर की, और बाकी और भी बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा। और एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जो भी मैं बीच में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ तो उस पर फोकस अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो सारे ऐसे सवाल है जो पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट होते हैं, सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो टाइप फोर में आपको समझा दूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछता, देखो 1/3.5, अभी आपको सबका मतलब मैं समझाऊंगा, +1/5.7 +1/7.9, मजा आ रहा है क्लास में आप लोगों को? जी सर। पहले बच्चों से जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आप लोग से टीचर्स ये पूछते थे कि बेटा मजा आ रहा है कि नहीं? है? सर पहले नहीं ना? जी नो सर, वो जो बांस होता है ना उसका मतलब हरा वाला डंडा मंगवाते थे छरका, उससे चोट बहुत ज्यादा लगता। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मतलब पहले के जो टीचर्स थे वो बच्चा अगर पढ़कर नहीं आया है तो उसको क्या करते थे, अपने पास बुलाते थे और पहले इधर से मारते थे, फिर वो गिरता था तो इधर से ही मारते, फिर ऐसे 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 मारना स्टार्ट करते थे, है ना? याद है पिटा? रोने के बाद नहीं छोड़ते सर, रोने लगोगे तो और मारेंगे। तो पहले टीचर्स बहुत मारते थे, बच्चे बहुत पिटाते थे, अब तो टीचर्स कुछ बोलते ही नहीं है। अरे सर तो लेकर आने के लिए भेज देते थे सबको, लेकर आओ उसको, और जो लेकर आता था टीचर का भी बोलते थे कि जाओ डंडा लेकर आओ, जो डंडा लेकर आता था पहले उसी की पिटाई होती थी। नहीं सर ऐसा भी होता था ना कि लड़के बाहर उसको भी पकड़ के पीटते थे? नहीं ऐसा बहुत कम होता है ना सर, अभी तो पेट वाला स्टाइल भूल ही गया क्या, पेट जो पता नहीं घिसते थे। आसिफ के मोहल्ले वालों को कह दीजिए बस, तो मतलब बचपन अपना याद आ रहा है तुम लोगों को, है ना? तो क्या बेस्ट क्या था, मतलब बचपन में जो टीचर्स पढ़ाते थे, पीटते थे, मारते थे, वो बेस्ट था, या फिर आज जो टीचर्स तुम्हें इतना प्यार से बात करते हैं और इतना प्यार से तुमसे पूछते हैं कि बेटा समझ आया कि नहीं, ये बेस्ट है? सर दोनों बढ़िया, बेस्ट तो दोनों था सर, दोनों। देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी दो चीजें बेस्ट नहीं हो सकती जी, तो एक 19 एक 20 जरूर होगा, आप कुछ भी बोल लो एक 19 और एक 20 जरूर होगा, कभी भी एक साथ दो चीजें आपकी बेस्ट, दोनों चीजें बेस्ट नहीं हो सकती एक ही चीज एक ही फील्ड की, तो दोनों ही चीजें आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकती, आपके माइंड में कोई एक जरूर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। तो बेस्ट मतलब जो जो आपकी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर हो, तो कौन सा आपकी प्रायोरिटी पे ऊपर है? आप बातें बनाने के लिए बोल दो कि दोनों ही बेस्ट था तो यही है ना, ये मेथड स्कूल वाली पढ़ाई अच्छी थी, मुझे भी यही मैं कहना चाह रहा था कि वो बेस्ट था, आज का जो सिस्टम है ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि आज भी मैं आपको बता दूं कि मैं भी जब मैं तैयारी कर रहा था अपना उसका IIT JEE का, है ना, तो वहां पे एक टीचर थे जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, पटना में मैं पढ़ता था, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स थे, तो वो जो भी आपको डेली पढ़ाते थे, एक तो उनका अल्टरनेट क्लास चलता था, वीक में 3 days क्लास चलती थी, आज 2 घंटे की क्लास, फिर कल छुट्टी रहेगी, परसों 2 घंटे की क्लास, तो उनके क्लास में जाने से पहले हमारे दिमाग में जितना उन्होंने सब कुछ पढ़ाया होता है वो सब कुछ हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, मतलब तुम्हें पढ़कर जाना पड़ेगा। और उनका ये फिक्स था कि डेली क्लास में अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 बच्चे बैठते थे एक साथ, ठीक है, और उसमें से वो किसको उठा लेंगे कोई कन्फर्म नहीं था उनका, ठीक है, किसी को कभी भी स्टेज पर बुलाएंगे और क्वेश्चन पूछने के बाद अगर तुम नहीं बताए बेटा तो बड़ी मारते थे, इतना मारते थे कि शायद तुम 3 दिन तक क्लास करने ना हो, है ना? तो सिचुएशन सिचुएशन कुछ ऐसा था कि आपको मतलब अगर आप पढ़कर नहीं जाते हो तो आपकी पिटाई तो तय थी, ठीक है? यस सर। और इतना मतलब मार मतलब हम अपने लाइफ में सही बता रहा हूँ कि मैं बचपन से स्कूल में भी पढ़ा तो वहां पे भी उतना नहीं इंसान पिटाते हुए किसी को देखा जितना वहां पे वो टीचर मारते थे।
तो एक खौफ था बच्चों के अंदर, डर था कि नीरज कुमार का क्लास है, मुझे पढ़कर ही जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए वो लड़का रात को सोएगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, लेकिन उसका पढ़ाई करके जरूर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर सा था जो कि बड़ी मारेगा, इतना मारेगा कि शायद एक हफ्ते तक आप बीमार पड़ जाओगे, और था एकदम बिल्कुल पतला सा, उसके शरीर में जान नहीं था, वो मारते मारते गिर जाता था टीचर। कुछ टीचर बोलते हैं ना सर कि मतलब ऐसे ऐसी बात भी बोलते हैं ना कि बात से डर के पढ़ के जाना पड़ता है सर। बात तो क्या, आजकल के बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि मार का तो असर ही नहीं पड़ता है। नहीं सर, ऐसा हुआ है सर, ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के एक टीचर हैं जो मतलब वैसे मतलब आप यदि नहीं पढ़ कर गए ना तो मतलब पूछिए मत क्या बोलेंगे वो। अच्छा, और ऐसा नहीं कि बैड लगता, लेकिन आप दूसरे दिन जाने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इतना अरे सर कुछ तो ऐसे होते हैं कि कहेंगे कि आइए नीचे पहले आप। दिक्कत ये है कि आजकल के बच्चे बदतमीज और बेशर्म हो गए, उन सबको शर्म आती नहीं है। बदतमीज सर? नो सर, चाहे वो बदतमीज हो गए हैं, अगर इन सब की बेइज्जती कर भी ले जाए तो इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्लास में मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ? लेकिन तुम लोग मिलता है सर, ये वाली बेइज्जती हम लोग को सह लेते हैं। यस सर, ये वाली बेइज्जती देखो अभी एक बच्चे ने बोला सह लेते हैं, इस सह लेने का मतलब ये होता है कि सब लड़के बदतमीज हैं, बेशर्म। सह लेना मतलब क्या होता है? हम नहीं सर, यदि कोई सह रहे तो सब थोड़ी सह लेता है। मतलब कि ये कहने का मतलब सर कि इससे कुछ सीखते हैं ना हम लोग, बेइज्जती करने से। ये भी शिक्षा का एक भाग है बिल्कुल, हर चीज। अगर देखो टीचर्स जो भी आपको क्लास में बोलते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, दो तीन दिन पहले, एक लड़का और एक लड़की का कन्वर्सेशन था, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें यही आपको एक मोटिवेशन दिया गया लास्ट में कि टीचर्स जो भी आपको क्लास में बोलते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। एक टीचर का सबसे बड़ा सम्मान वही होता है। आप टीचर्स के लिए कुछ मत करो, लेकिन सिर्फ एक काम जरूर करो कि टीचर्स की हर एक बात को मानो और उसकी बात को इम्प्लीमेंट करो। ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान है। और अगर जो बच्चा लाइफ में टीचर्स की बात नहीं मानता है तो एक समय उसकी लाइफ में जरूर रिटर्न आता है जब उसको ये फील होता है कि काश हम उस टीचर की बात मान लिए होते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक 98% बच्चे करते हैं कि टीचर्स की बात नहीं मानते हैं। उनको उनके मन में ये भी होता है अरे इनका तो काम है बस आएंगे चिल्लाएंगे जाएंगे, है ना, अपना काम करते रहो। कोई देखो टीचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात नहीं मानोगे, इस क्लास में 50 बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ, 48 बच्चों ने मेरी बात नहीं माना, 2 बच्चों ने बात माना, 2 का जीवन बन गया, 48 का नहीं बना। अच्छा मेरे पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं सर, मेरा कुछ लॉस हुआ? नो सर। फिर भी मैं आप लोग को समझाता हूँ, क्यों समझाता हूँ, हर बच्चे को समझाता हूँ, आपका लाइफ अच्छा हो। एक टीचर का सबसे बड़ा सक्सेस यही होता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ने वाला वो कहीं सक्सेस हो जाए। अगर आप सफलता हासिल करोगे तो शायद उसी में मेरी भी सफलता है। अगर आप सफल नहीं होते तो मैं भी सफल नहीं हूँ, सीधी सी अंदर से अच्छा फील आता है सर। बस इसीलिए टीचर आपको इतना डांटता है, इवन मारता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसको खुद भी सफल होना है ना आपके साथ साथ, और वो सफलता आपके अंदर से ही निकलेगा। आप सफल हो जाओगे, मैं ऑटोमेटिक सफल हो जाऊंगा, और जब तक आप सफल नहीं हो तब तक मैं भी नहीं। ठीक है, तो चलो इस कम्युनिकेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो जब बच्चा ये सोच लेता है कि सर ये पॉइंट है, और वो इस बात से डर जाता है कि ये क्वेश्चन पॉइंट में सॉल्व कैसे होगा, लेकिन वो समझता है कि 1/3.5 है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप समझ लेना कि डॉट का मतलब जो होता है उसका मतलब भी होता है प्रोडक्ट होता है, और वो होता है उसका मतलब क्या, इनटू। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर डॉट लगाएगा, देखो जनरली क्वेश्चन में इनटू लिखकर ही देता है, लेकिन कभी कभी वो डॉट भी लगा देता है, तो आप इस डॉट को डॉट नहीं समझोगे, पॉइंट नहीं समझोगे, क्या समझोगे, इनटू। तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, आप इसको इनटू में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना कि कभी ये क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें डॉट ही लिखा हुआ था, लेकिन इसके बाद का मतलब होता है इनटू पे ही ये सॉल्व होगा। अब सॉल्व कैसे होगा तो देखो, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालने का भी एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट सीखो। देखो जो आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या करना कि 2 पार्ट में तोड़ देना, जैसे कि 3 और 5 है ना, तो 1/3 और -1/5 में ब्रेक कर देना। ठीक है, सिर्फ एक टर्म को आप 1/3 और 1/5 में ब्रेक करोगे। आप ध्यान देना यहाँ पे कि मेरे को ये टर्म किसके बराबर है, 1/15 के बराबर है ना,
जी सर, ये टर्म किसके बराबर है? एक बटे 15 के बराबर है, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आप बताओ कि अगर आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करो, इसमें से इसको घटाओ और बताओ कि 1/15 आ रहा है, 1/3 में से 1/5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1/15 आएगा कि 2/15 आएगा? 2/15। हाँ, 5 - 3 = 2 और नीचे 5 = 15। तो आप बताओ कि अगर इस टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये 2/15 आ रहा है, तो मैं अगर इसको 1/2 से गुणा कर दूं, तो आप बताओ कि सिर्फ इतना जो टर्म है ये इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब मैं इसको 1/3 और 1/5 में माइनस करूंगा तो ये 2/15 बनेगा, जबकि मुझे 1/15 लाना है, तो मैं 1/2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2 से 2 ऊपर कट जाएगा और फाइनली क्या दे देगा? 1/15 और 1/15 तो बराबर हो जाएगा। यस सर। हाँ या ना, मैं बोलो? यस सर। आंसर करो। तो देखो कि दो, यहाँ पे 1/2 क्यों आया? क्योंकि इस दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आप इसको भी ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? प्लस है तो प्लस, 1/5 - 1/7। तो इसमें भी ऊपर 2 आएगा। तो देखो, इस मैंने 1/2 को बाहर कॉमन ले लिया, सब में से बाहर ले लिया, लिख सकता हूँ ना बाहर। तो आप बताओ कि अगले टर्म को क्या लिख दोगे? 1/7 - 1/9 और प्लस 1/9 - 1/11 और प्लस 1/11 - 1/13 और प्लस 1/13 - 1/15। आप बताओ कि यहां तक अगर मैं लिख दूं, इस टर्म के बाद जब मैं ये टर्म लिखूंगा तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? देखो करना क्या, 1/3, 1/5, 1/5, 1/7 माइनस में सब लिख देना और यहाँ पे 1/2 आएगा कि 1/3 आएगा, ये डिसाइड कर लेना कि इस दोनों में अंतर कितने का है। 2 का अंतर है ना, तो जितने का डिफरेंस है उतने का आप 1/2, 1/3 से गुणा कर देना बाहर। इतना काम करना पड़ेगा, इसको मिस मत करना। अगर इसको आप मिस कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 2 ही क्यों आएगा? क्योंकि 2-2 के डिफरेंस पे ये सवाल है। अब तुम देखो कि -1/5 + 1/5 - 1/7 + 1/7 - ± सब कैंसिल हो रहा है। यस सर। तो बच क्या रहा है? तो बचेगा फाइनली 1/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/3 - 1/15। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा और बाकी सारा टर्म कट जाएगा और 1/2 बाहर बचेगा। इसी को सॉल्व कर दोगे, 1/2 × 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, है ना? 3 + 5 = 15 - 1 तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 4/2 × 15 तो ये कटेगा 2 से, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 2/15। अब बताओ कि इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? जो सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया, इसमें कोई डाउट है? फाइनल आंसर क्या आएगा? 2/15। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, देखो अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे? ये इतना लिखना नहीं है बेटा, अगर आप लोग इतना लिखोगे तो आपका टाइम बहुत खराब होगा, है ना? एग्जाम का मतलब होता है कि आप ऐसे माइंड से सोचो कि आपका टाइम कम लगे और जल्दी से आपको आंसर मिले। तो ये स्टेप आपको कभी नहीं लिखना है। ये स्टेप लिखने वाला बच्चा क्वेश्चन को 10 सेकंड में नहीं कर पाएगा। वो सीधे क्या करेगा, मैं आपको बताता हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, वो सीधे ये एनालिसिस करेगा कि इस सीरीज में कौन कौन से नंबर 2 बार आ रहा है। आप यहां से ऑब्जर्व करो कि क्या इस सीरीज में 3 2 बार आया है कहीं? नो सर। नो सर। 2 बार टर्म कौन सा आया? 5, 7, 9 तो आप समझ सकते हो कि जो पहला टर्म है वो 1 बार आया है और जो आखिरी टर्म है वो सिर्फ 1 बार आया है। तो आप डायरेक्टली ये लिख दोगे 1/3 - -1/15 और ये जरूर ध्यान रखोगे कि दोनों में जितने का अंतर है उसमें 1/2 से गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद सीधे आप आंसर बना लोगे जो कि आपका आ जाएगा 2/15। आप तो हल कर लोगे ना? बोलो, अब तो सॉल्व कर लोगे ना? तो करना क्या है सर? ये जो इनटू है ना, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये इनटू है? हम लोग दशमलव मान लेंगे सर। क्यों मान लोगे? क्यों मान लोगे? जब मैं कह रहा हूं कि वो इनटू है तो क्यों मान लोगे? सर थोड़ा सा डिस्टेंस देता है और नहीं रहेगा सर। क्या कह रहे हो हिमांशु?
सर ये बोल रहे थे ये जो इनटू ये जो रहता है ना इस इन दोनों मतलब संख्याओं में डिस्टेंस थोड़ा रहता है सर, और जो दशमलव होता है वो डिस्टेंस नहीं रहता है सर इसमें ज्यादा। भाई मेरे जब आपको हमने आपको एक टाइप बता दिया और टाइप में मैंने ये दिखा दिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वह दशमलव नहीं मानना है, वो आपको दशमलव में कभी सवाल देगा ही नहीं, क्योंकि वो सवाल अगर दशमलव में बना दिया जाए तो शायद आप और हम इतना आसानी से इसको हल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए? क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए जिसका कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, जैसे इनटू है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना कि सब कट जा रहा है टर्म, अगर वो पॉइंट होगा तो कटेगा क्या? नहीं। तो क्वेश्चन ऑलवेज एक पढ़ा लिखा बंदा बनाता है ना, वो एक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला एक अनपढ़ बंदा नहीं होता है कि वो कुछ भी दे देगा, ठीक है? वो अपना माइंड का इस्तेमाल करता है कि बच्चा देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन 2 सेकंड और 10 सेकंड आपको टाइम मिलता है, 20 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का एक तोड़ है जो कि वो 20 सेकंड में सवाल लगेगा, वही सीखना होता है। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो 80% क्वेश्चन उसमें ऐसा ही दिया जाता है कि जो 20 से 25 सेकंड में लग जाए। जब तक आप उस टेक्निक को नहीं सीखते हो तब तक आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा है ना? Yes. तो वो आपको डॉट नहीं पॉइंट समझ, सॉरी पॉइंट नहीं इनटू समझना है, ठीक है? मैं इसी चीज के लिए तो आपको बार बार समझा रहा हूं कि वो पॉइंट नहीं है इनटू है, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को पेपर में देखो तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करे, इनटू नॉट इनटू पॉइंट। तो बस ध्यान रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टाइप 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान दो, चिंता मत करो, बहुत सारे सवाल मैं करा दूंगा, आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा। और अब बेसिक मेथड से नहीं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना कि हम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लें और डायरेक्ट आंसर निकालें, है ना? बेसिक से मत करना कि उसको आप लिख लिख के कर रहे हो बच्चों की तरह। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जा रहा है आपका, क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू, ये थोड़ा सा हट गया है सवाल, आप इसको भी लगाओ, 2 - 5/7 -- 2 - 999/1001। देखो कितना बड़ा सीरीज है, आप सोच पा रहे हो? ये सीरीज 1 से शुरू किया, यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7 ऐसे लेकर ऑड नंबर ले रहा है और कितना दूर तक ले जा रहा है, 999 तक। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है? बोलो। तो सिंपली इतना ही लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसका मान फाइंड आउट करना है आपको, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। और ये सीरीज 2, देखो एक चीज तो यहां एनालिसिस करो कि 2 सब में आ रहा है ना, लेकिन जो 1/3 है, 3/5 है, ये बढ़ रहा है। यहाँ पहला ऑड नंबर 1 से शुरू किया है और सारा ऑड नंबर 999 तक ले गया है, और यहाँ 3 से शुरू किया है, यानी दूसरा ऑड नंबर से शुरू किया है और 1001 पे खत्म किया है। तो देखो इस सवाल को लगाने का मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे फास्ट करोगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले एक बात बताओ कि अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 3 × 6 - 1 बोलो 5/3 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7/5 बात को अच्छे से समझना कि कैसे क्वेश्चन का ट्रिक पकड़ना होता है। इसको सॉल्व करो, 9/7 बताओ क्या रहा? 9/7 और डैश 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 कर दो, क्योंकि सारे सॉल्व तो किए नहीं जा सकते। एक लास्ट वाला सॉल्व करके मुझे बताओ कि ये कितना रहा है? 1003/1001 कर लोगे सब लोग इस सारे 4 ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला अब कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। देखो आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो कि इसमें नंबर कट कौन सा रहा, ये 5 से 5 कट रहा है, ये 7 से 7 कटेगा। तो आप समझ लो कि इसका जो कटाने का तरीका होगा वो ऐसे कटते जाएगा, उल्टा मत करना। तो ऐसे में क्या कटेगा, 1001 कटेगा कि 1003 1001 कटेगा सर 1001। मतलब पैटर्न को देखो कि लाइन आपको कैसे कटाते हुए चलना, आगे ऐसे कटाते हुए जाओगे जब तो आपका 1001 कट के बाहर हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1003,
और नीचे बचेगा 3 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन में टिक कर देना। अब जैसे क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कटता है, ठीक है, तो जब ऐसे कटेगा तो आप समझ लो कि फिर उस केस में ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो फिर इधर नीचे वाला बचेगा और इधर का ऊपर वाला पार्ट बचेगा। लेकिन जब सवाल ऐसे कटने लगे तो आपको ये पैटर्न फॉलो कर लेना है कि किस तरीके से कटाते हुए आगे जाएंगे, तो इस दोनों में से कौन सा नंबर इधर कटेगा और इसमें से कौन सा नंबर कट जाएगा, और बाकी एक इधर बचेगा एक इधर बचेगा, सब इनटू में है तो फाइनल आंसर बन जाएगा 1003/3। और देखो कितना आसान सा सवाल था, देखने में कितना बड़ा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना इजी है, आप खुद से इसके एनालिसिस करो और मुझे बताओ कि आप सबको समझ आया कि नहीं। आया ना सर, इतना जल्दी लग रहा, भूल भी गया। क्या कह रहे हो? भूल जाएगा सर बहुत जल्दी। बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप अपना नाम भूल गए हो क्या? नहीं बोले, क्यों नहीं बोले हो? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप रोज करते हो, रोज आपको कोई आपका नाम से पुकारता है और रोज आप अपना नाम 2-4-10 बार लेते हो। लेते हो क्या? नहीं सर। इस बात का मतलब मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी भी चीज की प्रैक्टिस हर रोज हर टाइम करोगे तो शायद उस चीज को आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो इंसान मतलब चाहकर भी भूल नहीं पाता है। मैं कहता हूं ना क्लास में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान भूलना चाहता है लेकिन उसको भुला नहीं पाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको वो याद करना चाहता है लेकिन याद नहीं होता। समझ पा रहे हो कि इस दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? ये कौन है मजा खराब कर दे रहा है वीडियो? यही तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ तुम लोग हो। फॉल्ट जो है ना वो तुम लोगों के अंदर है, बाकी सिस्टम तो सही है। सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तुम सिस्टम का इस्तेमाल करने की बजाय अगर तुम मिसयूज करोगे तो सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है? जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस सिस्टम पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब कोई बच्चा आकर और क्लास में मतलब फैन चलाए और कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसा करे जिससे कि आवाज आए, तो सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम में जो इनपुट डालोगे वही तो देगा वो। सिस्टम को नहीं बोल रहे, तुम हल्ला करोगे, बातें करोगे, कोई चीज तुम माइक को म्यूट नहीं करोगे, तो सिस्टम की क्या गलती है? सिस्टम तो अपना प्रॉपर अपने तरीके से काम कर रहा है, गलत तुम और हम हैं, सिस्टम बिल्कुल सही है, ठीक है? लोग कहते हैं कि बेकार सिस्टम है, इसमें डिस्टरबेंस होता है, सिस्टम कुछ नहीं बेकार है। सिस्टम को हम नहीं बोले, बच्चों को बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मैंने भी यही बोला कि तुम सबके अंदर ये फॉल्ट है, कितनी बार बोल चुका हूँ। अच्छा हिमांशु ये बताओ, हिमांशु एक बात बताओ, तुम क्लास में कब ज्वाइन किए थे? कल ना, कल पहला क्लास ज्वाइन किया जी सर, और आज दूसरा क्लास है। तुम्हारे पास अकल है कि हमें मतलब कि जब भी कुछ बात करनी हो तो हमें म्यूट कर देनी चाहिए? मैं कर सर जब बात करना तभी हम अनम्यूट कर देते हैं, ऑलरेडी बाकी टाइम म्यूट कर देते हो। तो तुम सोचो तुम एक दिन में अगर इस बात को समझ सकते हो तो बाकी जो गधे बैठे हैं सब एक एक महीना से हैं। अब मतलब कि मैं ये बात भी तुम्हें समझाऊं तो मुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं सर, भूल गए सर, म्यूट कर लो। कौन था ये? कौन? हम थे सर। अरे देखो यही भूल गए सर हम ना। बात यह है कि जब 50-100 बच्चे बैठेंगे तो कोई ना कोई एक भूल ही जाएगा, उसका ध्यान हमें लग रहा है कहीं और होगा, ठीक है? वो व्हाट्सएप पे लगा होगा या फेसबुक पे लगा होगा। भाई 50 बच्चे हैं, 50 तरह का माइंड है, 50 तरह के लोग हैं, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, सब लोग हमारी तरह नहीं हो सकता और सब लोग मैं आपकी तरह भी नहीं बन सकता। तो हर आदमी की लाइफ में व्यस्तता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम है, कोई किसी का दिमाग क्लास में मतलब क्लास में बैठा होता है, माइंड कहीं और रहता है, उसका ध्यान तो कहीं एक जगह चल रहा होगा, भगवान जाने कहाँ चल रहा है। तो चलो ठीक है, फिलहाल क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। जो जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अच्छा है, करते रहो। जो मंडे वाली वीडियो आ जाएगी सर आज? सर मंडे वाली वीडियो आज अपलोड होगा ना? दोनों वीडियो आ जाएगा आज, ठीक है, कल का भी और मंडे का भी, और आज का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है? तो सारे अपडेट कर दूंगा मैं आज, सब कुछ आपको पहुंच भी गया होगा, आप चाहे देख सकते हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, आपको जो भी बेस्ट लगे करो, ठीक है? वीडियो आप एडिट भी करते हैं सर? एडिट भी आप ही करते हैं सर? मैं बहुत कुछ करता हूँ।
है ना माई क्लासरूम में जो हमारे माई क्लासरूम वाले स्टाफ हैं सब कुछ नहीं करते हैं है ना सब इसलिए मैं लोगों को भी सिखा दीजिए क्या करोगे थैंक यू सर जो जो सिखा रहे हो तो तुम सीख नहीं रहे हो सिखा रहे हो सीख ही नहीं रहे हां उसमें तो तुम्हारा ध्यान लग नहीं रहा है तुम आगे की बातें कर रहे हो है ना चलो कभी एक बार ऐसा क्लास लेंगे जिसमें तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पैसा कमाना ये लाइफ नहीं होता इसके अलावा लाइफ को जीने भी आना चाहिए भगवान ने लाइफ जीने के लिए दिया है ना कि काटने के लिए और नहीं अदर कुछ करने के लिए जीना सीखो जीवन को जीना सीखो जिस दिन जीना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है लाइफ को एंजॉय करो ठीक है आपसे मुलाकात करते हैं अब कल की क्लास में मेरा अगला क्लास भी जीडी का है तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो खुश रहो हमेशा मुस्कुराते रहो ठीक है दूसरों को भी खुश रखो किसी को कोई किसी तरह का दुख मत देना जिससे भी बात करते हो ठीक है बाय बाय टेक केयर